नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे से होंगे। अभी हम हैं आपके उदयपुर रेलवे भर्ती में, जहां पे आपके 22 जिलों की जो रेलवे भर्ती स्टार्ट हो गई आज से, और आज का जो पहला दिन था उसमें कितना समय दिया जा रहा है, कितने बजे एंट्री की जा रही है, वो आपको बात करेंगे। उससे पहले तो सबसे पहले जो भर्ती में फिजिकल करके आए हैं उन बच्चों से पूछते हैं कि एंट्री कितने बजे की जा रही, कितने बच्चे हैं वो पास किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे एंट्री की, तो एंट्री कितने बजे की जा रही है वो पूछते हैं एक बार। 12 बजे एंट्री हो रही है भाई, 12 बजे वहाँ पे एंट्री करवाई जा रही है। आज भर्ती का पहला दिन है उदयपुर का, जहाँ पे एआरओ आपके कोटा से हो रही है और ये रेलवे भर्ती आपके उदयपुर में हो रही है। आज पहला दिन था, पहला दिन में 12 बजे बताया जा रहा है कि 12 बजे वहाँ पे एंट्री स्टार्ट की जा रही है। आज किस किस ट्रेड की रनिंग थी? ट्रेड की है, आज ट्रेड की है, टेक्निकल की है, एक बेच जीटी का बस है। अभी तक चार बेच बन, कलर की भी, कलर का भी है, मतलब अभी तक चार बेच बन चुके हैं। परंतु जैसा कि यहाँ सभी बच्चों से पूछने पर एक बात जो सामने आ रही है, वो सबसे बुरी खबर ये है कि सबसे कम बच्चे पकड़े जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे बीते 2 दिन से बरसात हो रही है, तो ग्राउंड अभी पूरा गीला, वहाँ पे अभी बरसात है, जैसे बच्चे दौड़ते हैं तो दो दो अंगल जो पैर है वो अंदर धंसा जा रहा है, माटी में फंस रहे, प्रॉपर पैर स्टेबल है नहीं वहाँ पे, माटी के अंदर इतना पैर जा रहा है, अंदर भेज जा रहा है। हाँ, ग्राउंड है जो प्रॉपर मेक नहीं किया, लोगों ने अच्छी तरह से बनाया नहीं है, ये है ना, तो वो जो माटी थी उसको प्रॉपर तरीके से वो सेट किया वहाँ पे, ऐसे कि ऐसे डाल के छोड़ दी है वो, तो वो 2 दिन से बारिश हो रही है उसकी वजह से ना पैर चल रहे हैं उस पे। जो टाइमिंग दे रहे हैं ये 5:45 टाइमिंग दे रहे हैं, उसमें भी जो पस्ट बंदा है वो आ पा रहा है उसमें, मतलब टाइमिंग तो पूरा दिया जा रहा है, टाइमिंग दे पा रहे हैं लेकिन पैर ही नहीं चल रहे, तो बंदा दौड़ेगा कहाँ से? जिसका पहले 4:30 आ रहा था वही 5:30 में आ रहा है, तो वो दौड़ कैसे पाएगा? मतलब ट्रैक पे अभी पानी है वो बताना एक बार, पानी है ट्रैक पे? पानी में तो गया, पानी नहीं है ट्रैक पे, लेकिन वो माटी है, पैर अंदर जा रहा है, वो माटी ऐसी बन गई कि पैर अंदर धंसा जा रहा है। अब बात करेंगे, पहला जो बेच बना था वो ट्रेडमैन 8th पास का बना था, उसमें कितने बच्चे पकड़े गए? उसमें 5 बंदे पकड़े हैं, 100 का बेच बनाया है उन्होंने, मतलब बेच 100 का बनना जा रहा है, उसमें पहला बेच में 5 बच्चे पकड़े गए ट्रेडमैन 8th पास से। दूसरा बेच बना था वो भी ट्रेडमैन 8th पास का था, जिसमें 5 बच्चे पकड़े गए थे। तीसरा बेस था जीडी का, जिसमें आपके 11 बच्चे हैं वो पास किए गए, और जो चौथा बेस बना था वो टेक्निकल का बना था, उसमें 20 बच्चे हैं वो पास किए गए। ठीक है, यही अंदर से रिपोर्ट है। अभी तक आपके 4 बेस बन चुके हैं, यानी कि टाइमिंग पूरी दी जा रही है, परंतु ग्राउंड ऐसा बन चुका है कि वहां पे बच्चे कंप्लीटली नहीं कर पा रहे टाइमिंग को, क्योंकि अंदर दस रहे पे इस वजह से, है ना? बिल्कुल, मतलब ये है कि इन्होंने भर्ती स्टार्ट होने से पहले ग्राउंड को प्रॉपर ठीक नहीं किया, ग्राउंड को ठीक नहीं, ये कमी रह गई। हाँ चलो, वो तो ठीक है। चलो अभी और दूसरे बच्चों से एक बार जानकारी ले लेंगे, वो बच्चे क्या बता रहे हैं उनको भी एक बार पूछेंगे कि क्या भर्ती का वेन्यू चल रहा है, कितना टाइमिंग दिया जा रहा है। जैसे कि रनिंग में टाइमिंग पूरा दे रहे हैं, पर जो ग्राउंड है वो थोड़ा सा गीला है, पैर अंदर धंस रहे हैं। एक बार उनसे, एक बार इन बच्चों से भी पूछते हैं कि जो यहाँ पे बैठे हैं, जिनसे बुलाया जा रहा है पर वो सही चल नहीं पा रहे, शायद या तो ग्राउंड में नीचे गिर चुके थे या फिर क्या है, वो भी देखेंगे। और जो एंट्री का गेट है वो थोड़ा सा आगे है, और एग्जिट गेट है वो थोड़ा सा दूर है। एक बार आप कौन पूछेंगे, क्या हुआ भाई, क्या आपका ट्रेड कौन सा था? टेक्निकल सर। सर टेक्निकल से था, क्या हुआ आपका रनिंग में, क्या हुआ रनिंग? बहुत ग्राउंड बहुत ऐसे, मतलब रेत थी, बालू रेत थी, हम घर बनाते हैं जैसी रेत थी, इसलिए दौड़ा, पैर अंदर धंस रहे, इसलिए टाइमिंग बहुत, जिस बंदे की 5:30 आ रही है उसकी 6:30, और जिसकी 4:30 आ रही है उसकी 5:30 आ रही है, मतलब माटी का पैर था, मतलब जो ग्राउंड है वो माटी का था, इसलिए पैर अंदर धंस रहे हैं ना, तो इसलिए वहाँ पे टाइमिंग कवर नहीं हो रहा, और टाइमिंग पूरा दिया जा रहा है ना? टाइम पूरा दिया जा रहा है। आपका बेस कितने बच्चों को बना था? हमारे तो 90 बच्चों को बना था टेक्निकल में, 90 का बना था, और कितने बच्चे पास किए गए? 20 बंदे पास किए थे, उसमें 20 बच्चे हैं वो पास किए गए हैं, ये बात हो। चलो कोई बात नहीं है, आगे के मेन बंदा 6:16 पे, लास्ट बच्चा 6:16 पे एंटर किया था, 6:16 पे, मतलब टाइमिंग ज्यादा दी, 5:45 से 6:16 दी थी टाइमिंग, 6:16 टाइमिंग दी, यानी कि टाइमिंग ही बहुत अच्छी दी गई। चलो फिर जैसे बच्चे पास करके आएंगे, जैसे ही वहाँ पे ग्राउंड में जो PFT कंप्लीट करके आएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि क्या और अंदर का वेन्यू है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, इसी बीच आपसे इजाजत लेंगे, पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। गुरुकुल आर्मी से मैं डीके सर, जय हिंद जय भारत।